हेलो। यकीनन आप मुझे याद कर रही होंगी। नहीं बिल्कुल नहीं। कि तो आपने मुझे मायूस कर दिया। क्यों फोन किया है? आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट भेजा है। असद के हाथ, उसकी वाइफ से ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। ये सभी का फोन था? आप ही क्या, तुम्हारी सुई सभी पे ही अटक गई है जी। मतलब क्या? तुम कहो ना कहो मुझे ना। अभी मैं खाला के घर जा रही हूँ। इस वक्त? हाँ, और अम्मी को मत बताना ठीक है। मैं यूं गई और यूं आई, एक बहुत जरूरी काम है मुझे। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट कैसे दिल में उतरने लगी है, न जाने क्यों वो इतनी अच्छी लगने लगी है। लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर तक नहीं है। सभी वो रजी को तो लड़की पसंद आ गई है, मुझे वो लोग पसंद नहीं आए। लालची हैं, और लड़की की माँ तो बस गिले शिकवे करती रही। क्या मतलब? उसके ख्याल में मेरे बेटे जो कुछ लंदन से कमा कर लाए हैं मैं उस पे लुटा दूं। बियाजान आप कह तो ठीक रही है। इस बात का अंदाजा तो मुझे हो चुका था, लेकिन अब मसला यह है कि उन लोगों की खसलत जानते हुए भी उनसे रिश्तेदारी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन रजी ये रिश्तेदारी करना चाहता है क्योंकि उसे जोया पसंद आ गई है। मैं हाँ करके आ गई हूँ। वाकई रजी को इतनी अच्छी लगी? ठीक है, जो रजी की खुशी वही कीजिए। मुझे नहीं पता था कि रजी मुझे इतना मजबूर कर देगा। देखिए भैयाजान, हमारे लिए तो रजी की खुशी है। इसी बात का तो अफसोस कि रजी अपनी खुशी में अपनी माँ की मर्जी शामिल नहीं कर रहा।